प्रणाम करूंगा जी। प्रणाम। मैं मेरे पत्नी से क्या है माइग्रेन की बीमारी है, उसके लिए क्या दवाई लेना चाहिए उसके बारे में जानकारी चाह रहा था। चलिए, माइग्रेन पेन के लिए पहले तो घरेलू उपचार बता देता हूँ। घरेलू उपचार है पतंजलि जो गाय का घी है, इसमें जलेबी बनाइए और यदि हो सके तो इमरती बनाइए। इमरती दाल से बनती है और जलेबी जो है थोड़ा मैदे से बनती है, तो दाल वाली ज़्यादा अच्छी है। इमरती या जलेबी बना करके और ऊपर से गाय का दूध पिला दीजिए। ये इस घरेलू उपचार से भी मैक्सिमम लोगों का सिर दर्द ठीक हो जाता है। पुराने माइग्रेन पेन में मेधावटी दो दो गोली सुबह शाम ले लें। बादाम रोगन एक चम्मच तो दूध में पी लें और पाँच पाँच दस दस बूंद नाक के अंदर डाल करके खींच लें और अनुलोम विलोम कर लें। 100% माइग्रेन पेन का इलाज है अनुलोम विलोम प्राणायाम, बादाम रोगन दूध में डालना भी और नाक में भी, दूध में डाल के पीना भी और नाक में डाल के ऐसे खींच लेना, और मेधावटी दो दो गोली सुबह शाम ले लेना। माइग्रेन पेन 100% ठीक हो जाता है, नहीं तो इसकी दवाई कोई नहीं है। एलोपैथी में पेन किलर्स लेते हैं फिर ये बढ़ता ही रहता है। हाँ, जिन कारणों से माइग्रेन पेन होता है उनके ऊपर भी ध्यान दें। जिनको एसिडिटी बनती है तो अपने एसिड को कंट्रोल करने के लिए वीट ग्रास एलोवेरा लें। जिनको कफ बहुत अधिक रहता है उसके लिए लक्ष्मी विलास संजीवनी गिलोय घनवटी लें। जिनका वात रोग है वो दूध में थोड़ा सा हल्दी शिलाजीत लें। माने जिस कारण से माइग्रेन पेन होता है उसके भी निवारण के लिए थोड़ी चेष्टा करें। किसी को सामान्य है, कोई दूसरा कारण, वात पित्त कफ आदि सब नॉर्मल है और फिर भी माइग्रेन पेन है, तो जो मैंने उपाय बताया उसको करेंगे तो 100% अच्छा हो जाएगा।